Hello, future doctors of India. Welcome back in a Mantra family. I am Varun Agrawal and this is your channel, Mantra of the Biology. हमने लास्ट लेक्चर में बेसिकली डिस्कस किया था अबाउट द सेल ग्रोथ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, इन सब पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था. सम टर्म्स हमने देखे थे. इसके अलावा हमने देखा था कि सेल एक्चुअली डिवाइड क्यों होती है, ओके, उसका रीजन हमने देखा था. फिर हमने डिफरेंट फेजेस के बारे में स्टडी किया था, इंटरफेज, एम फेज, माइटोटिक, माइटोसिस, मियोसिस, ये डिफरेंट टर्म्स देखे थे हमने. आज का जो हमारा लेक्चर है, हम अपनी फेजेस स्टार्ट कर रहे हैं. आज के इस हमारे लेक्चर में हम बेसिकली इंटरफेज के बारे में स्टडी करेंगे और एम फेज स्टार्ट करेंगे, ओके. फेज इट मीन्स माइटोटिस फेज, ओके, जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं. देखिए, आज के हमारे टॉपिक में हम देखेंगे इंटरफेज के बारे में, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ओके, जो इंटरफेज की बेसिकली डिफरेंट स्टेप्स होते हैं इंटरफेज में. फिर एम फेज में होते हैं आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये एम फेज के अंदर होते हैं और उसमें आज हम प्रोफेज को कवर करेंगे. क्लियर? प्रोफेज बेसिकली तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज एंड द लेट प्रोफेज. एनसीईआरटी में अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज को डिफाइन किया गया है, बट मिडिल प्रोफेज मतलब जिसको हम ट्रांजिशनल फेज भी बोलते हैं उसको डिफाइन नहीं किया गया. ओके, सो टुडे लाइक इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल काइंड ऑफ द प्रोफेजेस, ओके, डिफरेंट फेजेस इन द प्रोफेजेस. नाउ लिसन स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम इंटरफेज स्टार्ट करेंगे. तो इंटरफेज देखिए, इंटरफेज स्टार्ट करने से भी पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो सेल का जो डिवीजन होता है, इट बेसिकली अगर इन ए सेल साइकिल फॉर्म. क्लियर? सेल साइकिल में पूरा डिवीजन चलता है. तो सबसे पहले आज हम सेल साइकिल को देखेंगे. उस सेल साइकिल में ये सारे फेजेस कवर होते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरफेज स्टार्ट होता है G1 फेज से और खत्म होता है डिवीजन आपका टीलोफेज से. अब उस टीलोफेज से दोबारा से G1 फेज स्टार्ट होता है और फिर ये चलता है. फिर टीलोफेज पहुंचते दोबारा से G1 फेज स्टार्ट होता है, फिर टीलोफेज आता है. दैट्स अ कॉल्ड साइकिल. हम साइकिल देखेंगे आज सबसे पहले, फिर हम उससे हर फेजेस को पढ़ेंगे. देखते हैं पहले, सबसे पहले साइकिल. आइए, the diagram which is in front of you, that's a cell cycle, okay. In the cell cycle, okay, like we start from a G1 phase. That G1 phase is basically the phase where all the different kinds of cell organelles production take place, like your all ribosome, lysosome, endoplasmic reticulum, okay, and proteosynthesis, structural from function point of view. So yahan pe sabhi cell organelles ka production hota hai. जैसे G1 से सारे प्रोडक्शन कंप्लीट होता है, इट मूव टू द S फेज. इन S फेज में जनरली DNA का सिंथेसिस होता है, ओके, DNA सिंथेसिस, DNA रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस, व्हाइल इन द साइटोप्लाज्म सेंट्रियोल्स डिवाइड होते हैं, एंड डिवाइड होने के बाद में एंड डिवाइड होते हैं लाइक अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं इन द साइटोप्लाज्म. नाउ जब DNA का रेप्लिकेशन हो जाता है, S से मूव करता है G2 फेज में. G2 फेज में जनरली ये फेज भी अगेन एक इंटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस होता है. इसमें जो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, इसके अलावा न्यू प्रोटीन एंड लार्ज अमाउंट में ATP का फॉर्मेशन होता है. ये G1, S एंड G2 ये बेसिकली इंटरफेज को शो करते हैं. G2 फेज के बाद में करता है M फेज में. M फेज में ये चारों जो आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये बेसिकली एम फेज के पार्ट है, ओके. फिर उसके बाद में जैसे ही एम फेज में कैरियोकाइनेसिस होता है, इट मींस न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, जैसे हम साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. देयर इज वन मोर स्टेप कॉल्ड द G0 फेज. G0 फेज इट मींस अगर इन केस G1 फेज में कोई इशू आता है और सेल को आगे डिवाइड नहीं करना, तो वो G0 फेज की तरफ चला जाता है. G0 फेज में लाइक सस्पेंशन फेज, जहाँ पे कोई फर्दर डिवीजन आगे नहीं बढ़ता जब तक कि इसको कोई स्टिमुलेशन ना मिले. सो देखिए, ये साइकिल में चलता है. उन्होंने यहीं से डिवीजन स्टार्ट किया था, फिर साइकिल पे रोटेट करके दोबारा से इसी पॉइंट में वापस आ जाता है. दैट्स अ सेल साइकिल. तो ये हमने देखा था लाइक अबाउट द साइकिल की कैसे इसमें लाइक G1 फेज, S1 फेज, G2 फेज, ये सभी हमने वहाँ फेजेस देखे कि कैसे साइकिल में वर्क करते हैं, ओके, ये सब हमने वहाँ देखा था. अब हम उनको डिटेल में पढ़ते हैं. तो हमने सिर्फ साइकिल फॉर्मेट में देखा जो कि NCERT का डायग्राम है. अब हम पढ़ते हैं सभी फेजेस के बारे में डिटेल में. सबसे पहले देखिए G1 फेज और S1 फेज एंड G2 फेज. देखिए G1 फेज, ओके, मैंने आपको वहाँ अभी जस्ट अभी एक साइकिल में भी दिखाया था, एक डायग्राम में. देखिए, G1 फेज इज बेसिकली कॉल्ड द मोस्ट इंटेंसिव प्रोसेस ऑफ द सेल साइकिल. मोस्ट इंटेंसिव प्रोसेस ऑफ द सेल साइकिल बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेलुलर ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल.
Most of the cellular organism take place in the cell. Most of the cellular organism growth या division या फिर formation take place in the cell. मतलब basic preparation जो होती है वो इसी phase में होती है. देखिए मैंने आपको दिखाया था कि अगर जब सेल डिवीजन में एंटर करता है तो जीवन फेज में आता है. जीवन फेज सबसे पहला बेसिक लेवल पे जितना स्टेप्स की प्रिपरेशन होता है वो सब यहीं पे होता है. तो इसमें बेसिकली क्या होता है आपका इंटेंसिव सेलुलर ये क्या होता है आपका इंटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस टेक प्लेस इन अ जीवन फेज. आप कौन कौन से सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेलुलर मतलब सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस होता है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म बेसिकली सिंथेसाइज होते हैं इस फेज में. ओके कौन कौन से तो देखिए सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल. प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए जिम्मेदार कौन होता है राइबोसोम. तो राइबोसोम का फॉर्मेशन इसमें होता है. राइबोसोम को कौन बनाता है राइबोसोम को देखिए राइबोसोम है राइबोसोम तो बेसिकली उसमें प्रेजेंट राइबोसोम है. उस राइबोसोम जो आगे नेक्स्ट डिवीजन होता है उसके लिए प्रोटीन जरूरी होगा तो उसके लिए राइबोसोम उस सेल के अंदर होना चाहिए. न्यूक्लियोलस ओके इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्गी बॉडी ओके लाइसोसोम ये सभी सेल्स ऑर्गन्स ये बेसिकली जीवन फेज के अंदर प्रिपेयर होते हैं. वाइल माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होते हैं आपके जीटू फेज के अंदर. दैट्स क्लियर. इसके अलावा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स बनती है. स्ट्रक्चरल प्रोटीन में मतलब आपके बनते हैं माइक्रोटिब्यूल्स बिकॉज स्पेंडल फाइबर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फर्दर डिवीजन में देखेंगे और उसके जो मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं माइक्रोटिब्यूल्स. सो माइक्रोटिब्यूल से बने हुए होते हैं स्पिंडल फाइबर. सो वहां पे स्ट्रक्चरल प्रोटीन में बनते हैं आपके माइक्रोटिब्यूल्स. ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वाइल आपका कुछ स्ट्रक्चरल ये तो हो गया स्ट्रक्चरल पार्ट. ओके माइक्रोट्यूबुल फंक्शनल पार्ट में अगर आप आते हैं तो फंक्शनल पार्ट मतलब होता है प्रोटीन का एंजाइम. तो इसमें बनते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बिकॉज आगे होना है डीएनए सिंथेसिस और डीएनए सिंथेसिस के लिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए. डीएनए पॉली मरेज एंजाइम क्लियर हो गया आप तो डीएनए पॉली मरेज एंजाइम चाहिए. इसके अलावा स्टोन प्रोटीन का एक पार्ट इसमें बनता है. ओके स्टोन प्रोटीन का एक पार्ट इसमें बनता है बेसिकली बेस्ट एक पार्ट बनता है दूसरा पार्ट एस प्रोटीन एस फेज में बनता है. सो ये बेसिकली बनते हैं आपके जीवन फेज में. तो इसमें सबसे ज्यादा सारे सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं साइटोप्लाज्म की ग्रोथ इसमें होती है. ओके देखिए अगर एक बार सेल जीवन फेज में एंटर कर गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल डिवाइड ही होगी. सेल डिवाइड जब होती है जब उसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है क्योंकि एस फेज में जब वो जाते हैं और अगर सब कुछ प्रॉपर अवेलेबल है तो डीएनए रेप्लिकेट होता है अदरवाइज वो रिटर्न कर जाती है वापस जीवन फेज में. एस से रिटर्न कर जाएगी जीवन फेज में. अगर एस फेज में अगर प्रॉपर सब कुछ नहीं है तो आगे डिविजन नहीं होगा. ठीक है आगे नहीं बढ़ेगी. और एस फेज में एक बार डीएनए रेप्लिकेट हो गया डीएनए का अमाउंट डबल हो गया तो उसको डिवीजन होना ही पड़ेगा क्योंकि वो एक सेल इतना सारा डीएनए रख नहीं सकती उसको आगे डिवाइड करना ही पड़ेगा वरना वो ही सेल एबनॉर्मल हो जाएगी. तो इसलिए इसका बनने का मतलब ये नहीं है कि सेल डिवाइड होगी. सेल ना भी डिवाइड हो जरूरी है ऐसा और सब पॉसिबिलिटी है. जब वो जीवन से एस वन में जाती है तो देखते हैं भाई सारे एंजाइम अवेलेबल हैं नहीं है. जैसे चेक पॉइंट्स होते हैं हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं चेक करते हैं. जैसे आप जब रास्ते में जाते हैं तो बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं जो चेक करते हैं कि ये एंट्री करने लायक है या नहीं है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. सेम हियर ये सब चेक पॉइंट्स होते हैं इन बिटवीन ऑफ दैट जो चेक करते हैं कि ये सेल डिवीजन होने लायक है या नहीं है. तो अगर वो चेक पॉइंट्स ने क्रॉस कर दिया कि भाई ये सेल डिवीजन आगे जाएगा तो जाएगा. अगर चेक पॉइंट ने मना कर दिया भाई नहीं ये सब चेक पॉइंट बेसिकली जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं उसने बोल दिया डिवीजन नहीं जाएगा आगे तो नहीं जाएगा. ओके नहीं देखो पर्स वाला है वो तो नहीं.
ओके सो मैं यहां पे इसको रब कर देता हूं. नाउ नेक्स्ट इज जी टू फेस. सॉरी अगेन मैं बाबा जीवन के जी टू पे पहुंच जाता हूं. इट्स अगेन एस फेस. ओके देखिए एस फेज मतलब होता है एस फेज मतलब जहां पे एस फेज मतलब इस रिलेट फॉर सिंथेसिस. एस फॉर सिंथेसिस. सिंथेसिस किसका? डीएनए का सिंथेसिस. ओके एस मतलब डीएनए का सिंथेसिस. डीएनए का सिंथेसिस होता है बेसिकली इस एस फेज के अंदर चलता है. ओके क्या होता है कि डीएनए अपने अमाउंट को डबल करता है. देखिए डीएनए ही अपने अमाउंट को डबल करेगा जब भी वो बेटा एस्ट्रॉन प्रोटीन के साथ बाइंड अप होंगे और बाइंड अप होने के साथ साथ लाइक एक नए लाइक क्रोमोजोम के डुप्लीकेट नंबर बनाएंगे. अदरवाइज क्रोमोजोम तो एक पेयर में रहेगा. तो एस फेज के अंदर बेसिकली डीएनए सिंथेसिस चलता है. डीएनए का रेप्लिकेशन चलता है. तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो रिलेट रिक्वायर्ड जो एंजाइम्स होते हैं जीवन में बन चुके होते हैं. अगर नहीं बनते तो एस फेज में वो आगे चेक पॉइंट उसको एंटर ही नहीं करने देंगे. तो एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. सो बेसिकली क्या होता है इसके अंदर डीएनए का ध्यान रखिएगा डीएनए का अमाउंट बढ़ रहा है क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ रहे. आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छी लाइन दी गई है कि जनरली क्या होता है कि अगर क्रोमोसोम मान के चलिए कि अगर आपके डीएनए का नंबर पहले सी था फॉर एन एग्जाम्पल इनिशियली ओके इनिशियली आपके डीएनए का जो अमाउंट था वो आपका सी है. ओके सो इनिशियली अमाउंट वो है क्या है बेटा इनिशियली अमाउंट है सी है. आफ्टर द रेप्लिकेशन ओके इट बिकम 2c. ओके और अगर जब 2c है सो अब वो इनिशियल नंबर पे सो ये 2c 1 कन्वर्ट हो जाता है 4c में आफ्टर रेप्लिकेशन. क्लियर हो गया. सो दैट्स अ रेप्लिकेशन जो कि यहां चलता है. क्लियर. बट ध्यान रखना डीएनए का अमाउंट ही डबल होता है बट क्रोमोसोम नंबर डबल कभी नहीं होते. अगर आपके क्रोमोसोम के नंबर 2n है तो आफ्टर रेप्लिकेशन इट विल रिमेन एज ए 2n. क्रोमोसोम के नंबर कभी चेंज नहीं होते. केवल और केवल डीएनए रेप्लिकेट होता है तो क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहते हैं. ओके केवल आपका डीएनए रेप्लिकेट होता है तो ही एक ध्यान रखिएगा अपने माइंड में. ओके सेकेंडली पॉइंट स्टोन प्रोटीन का जो सेकेंड पार्ट है वो एस फेज में बनता है. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि स्टोन प्रोटीन कहां बनता है तो दोनों फेज आंसर है. लेकिन अगर एक ही ऑप्शन दिया गया हो तो उसमें से आपको चूज करना हो तो आपका बेस्ट आंसर होता है एस फेज. ओके जहां पे स्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. सो देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है. पहला आपका बन गया स्टोन प्रोटीन मान के चलिए डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया. थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट होता है देखिए ये सब कहां चलता है. डीएनए का रेप्लिकेशन कहां चलेगा न्यूक्लियस के अंदर. तो साइटोप्लाज्म में क्या चलेगा. साइटोप्लाज्म में आपका जो आपका सेंट्रियोल है या फिर आपका जो सेंट्रियोल है या फिर जो आपका सेंट्रियोल होता है ये सेंट्रियोल बेसिकली डिवाइड जो आपका लाइक आपका जो सेंट्रोसोम होता है ये सेंट्रोसोम बेसिकली डिवाइड होता है और डिवाइड होकर पोल में पहुंचता है. जैसे मैं एक बार इसको रब कर देता हूं तो ये बताना मेरे लिए आसान होगा. ओके देखिए ये सेल है. ये सेल में न्यूक्लियस है. ओके मैं इसको भी डिफरेंट कलर से कर देता हूं. ओके यहां पे आपका ये आपका ये आपका है क्या है सेंट्रोसोम है. ये सेंट्रोसोम में ये दिख रहा है ये आपके सेंट्रियोल से. क्लियर. अब ये सेंट्रियोल्स आप ये डिवाइड होते हैं और याद रखना इनमें डिवाइड होने के लिए कोई भी पर्टिकुलरली कोई डीएनए की जरूरत नहीं होती है. ये उसके चारों तरफ जो एक स्ट्रक्चर जनरली इसके अंदर एक लाइक आउटर स्ट्रक्चर होता है एक पैरा लिक्विड होता है जिसके एक पैरा लेयर होती है. ओके जिसके थ्रू ये अपने आप को डिवाइड करते हैं. सेंट्रियोल्स में यही खास बात है कि इनके इनके लिए कोई इनको पर्टिकुलर डीएनए के थ्रू डिवाइड नहीं होते. ये एक सेंट्रियोल अपने दूसरे सेंट्रियोल एक सेंट्रियोल का जो फॉर्मेशन होता है जो वो डिवाइड होते हैं तो प्री एग्जिस्टेड सेंट्रियोल से होते हैं. इनके चारों तरफ एक लेयर होती है जिसके थ्रू ये बेसिकली डिवाइड में हेल्प होती है इनकी. सो देखिए ये डिवाइड हो गए 1 और 2.
तो क्या होता है, दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो आपके सेंट्रोसोम डिवाइड होंगे या फिर उसमें प्रेजेंट सेंट्रियोल्स ही अलग अलग होके जाएंगे, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चल रहा है साइटोप्लाज्म में, और डीएनए डुप्लीकेशन, ये दोनों पैरेलल चलते हैं एस फेज के अंदर। तो एस फेज को अगर आप करेक्टराइज्ड करें, तो उसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, डीएनए का डुप्लीकेशन, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम है उसका मूवमेंट, या फिर तीसरा पॉइंट है स्टोन प्रोटीन का बनाना। देखिए ये बेसिकली जो अगर आप इसको बाहर लेके आए तो इसमें बेसिकली होता क्या है, ये आपका सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल से होते क्या है, आपके स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, ये सेंट्रियोल्स है। ठीक है, ये सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। अगर ये सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर हेल्प करते हैं तो इनको बोलते हैं, जो हेल्प करते हैं तो इनको बोलते हैं सेंट्रिक डिवीजन, सेंट्रिक डिवीजन या फिर एस्ट्रल डिवीजन। ओके, एस्ट्रल डिवीजन। ओके, और ये केवल होता है पर्टिकुलरली केवल और केवल एनिमल सेल में। ठीक है, ये होता है केवल एनिमल सेल में। ओके, और काफी जगह ऐसा होता है कि जहां पे सेंट्रियोल होता ही नहीं है। अब सेंट्रियोल नहीं होगा तो उसमें स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे, स्पिंडल अब लाइक सेंट्रियोल नहीं है तो स्पिंडल, जब आपके सेंट्रियोल नहीं है तो उस डिवीजन को बोलते हैं जहां पे सेंट्रियोल एब्सेंट है। ओके, उसको बोलते हैं इसेंट्रिक डिवीजन। ओके, ये कहां पे होता है, एंड एसेंट्रिक डिवीजन, सेकेंड एसेंट्रिक डिवीजन कह सकते हैं, और एन एस्ट्रल डिवीजन। ओके, जो चलता है केवल प्लांट सेल में, प्लांट सेल के अंदर, ये होता है एनिमल सेल के अंदर, ये होता है प्लांट सेल्स के अंदर, क्योंकि इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, इसमें सेंट्रियोल आपका प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन आता है कि जब भैया प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल होता ही नहीं है तो फिर स्पिंडल फाइबर नहीं बनते क्या, बनते हैं, क्योंकि स्पिंडल फाइबर बेसिकली क्या होता है, क्रोमोसोम के खींचने के लिए, पुलिंग मैकेनिज्म के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे तो स्पिंडल फाइबर्स का रोल क्या था, स्पिंडल फाइबर को बनाना, मतलब स्पिंडल फाइबर बनाना नहीं, सॉरी, स्पिंडल फाइबर्स को वहां से अटैच करना जिससे कि क्रोमोसोम को खींच सके पोल की तरफ। अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर है नहीं तो स्पिंडल फाइबर कैसे बनेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं MTOC, माइक्रो ट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, ओके, इसको MTOC बोला जाता है, जिससे जो हेल्प करता है प्लांट में स्पिंडल फाइबर को बनाने के लिए। हमेशा माइंड में रखिएगा अबाउट द MTOC, इज इट क्लियर। सो नाउ इट इज ऑल अबाउट योर एस फेज। सो ये एस फेज का बेसिकली डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम चलेंगे G2 फेज के बारे में। देखिए, ओके, आप जस्ट यू कैन नोट इट डाउन, ओके, फिर हम पढ़ेंगे और आगे धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ते जाएंगे। मैं आज फिलहाल अभी रब कर देता हूँ जिससे हम आगे चल पाए। देखिए, आपका जो एस फेज के बाद में जो G2 फेज होता है, ये G2 फेज भी, अब देखिए क्या हुआ, बहुत सारा डिवीजन हो गया, डिप्लीकेशन हो गया, काफी कुछ हो गया, लेकिन अब एनर्जी की कमी हो गई है। अब एनर्जी की जब कमी हो गई है तो एनर्जी को तो प्रॉपर बनाना होगा। तो G2 फेज के अंदर क्या क्या चलता है, G2 फेज के अंदर चलता है, ओके, G2 फेज के अंदर सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये दो ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि G2 फेज में चलते हैं। देखिए, एस फेज में अगर डिवीजन हो गया तो G2 फेज में आना ही पड़ेगा, क्योंकि डीएनए को डुप्लीकेट हो चुका है ऑलरेडी। अब G2 फेज के अंदर सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, इसमें मोर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, मोर एटीपी बनाते हैं, जिसको कि आगे की जो रिएक्शन है वो पूरी एनर्जी, आगे की जितनी भी जो प्रोसेस है वो एनर्जेटिक प्रोसेस है, जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा तो ज्यादा एटीपी की जरूरत होगी। थर्ड पार्ट अगर आप देखेंगे G2 में, मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, क्योंकि देखिए प्रोटीन में हाँ चाहिए बेसिकली आपका
प्रोटीन है, तो प्रोटीन के लिए चाहिए वहाँ पे बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके एस फेज में, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके जीवन फेज में बन चुके हैं, ओके, वो बनाते हैं स्पिंडल फाइबर। ओके, तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन में। तो स्पिंडल फाइबर बेसिकली क्या है कि लेटर ऑन ये पिच बनाएंगे, जिससे हम पिच बनाएंगे जहाँ पे सेलुलर डिवीजन होगा। सो दैट्स द बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ जीटोफेस। ओके, ये बेसिकली डिसाइड करता है कि जो एम फेज में मूव करने से पहले भैया सब कुछ अवेलेबल तो है, क्योंकि एक बार चला गया तो एक बार जाने के बाद में फिर अगेन फर्दर डिवीजन आगे कुछ नहीं हो सकता। एक चीज और आपको डिस्कस करते हुए रह गया, एस फेज में क्या होता है कि जनरली जो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है उसके बारे में थोड़ा पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल अभी इसको रब कर देता हूं मैं। एस फेज का कुछ पॉइंट्स रह गए थे, ओके, स्पेशली एस फेज, इसको मैं रब कर देता हूं। जी टू फेज का ओवर हो गया। देखिए, एस फेज के अंदर स्पेशली डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। आपको पता है कि जनरली क्रोमेटिन फाइबर्स आपके जो सेल्स के अंदर नॉर्मली क्रोमेटिन रेटिकुलम पाया जाता है। अब क्रोमेटिन रेटिकुलम देखिए, अगर आप उसको जब भी डीएनए को रेप्लिकेट होना है तो सारे फाइबर्स को तो खुलना पड़ेगा, जब भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो हो सकती है, तो ये सारे फाइबर्स आपस में खुल जाते हैं और एक क्रोमेटिन का फाइबर बनाया। ओके, तो डीएनए में सेल डिवीजन में इंटरफेज एक ऐसी स्टेज है जहां पे आपको क्रोमेटिन फाइबर्स दिखाई देंगे, क्योंकि अब खुलना तो पड़ेगा ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फ्लो करना है। और जब वो आपका जी टू फेज में जाता है, तो अब आपका जी टू फेज के बाद में जब एम फेज में जाता है तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्लोज हो जाती है। जी टू से वो एस में रिटर्न कर सकता है, अगर इनकेस लगा जी टू में कि अभी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हुई है तो वो रिटर्न कर सकता है, लेकिन एक बार एम फेज में आ गया तो वो रिटर्न नहीं कर सकता। ये एक प्रॉब्लम होती है, तो पहले टू चेक कर लेता है कि भैया सब कुछ बन चुका है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बहुत हो चुकी है, वरना ऐसे में आप चलो पहले प्रॉपर बना लो, क्योंकि एक बार चला गया तो सब एबनॉर्मल बनेंगे। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एस फेज। ओके, क्लियर हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एम फेज। देखिए, एम फेज बेसिकली मतलब यहां पे इसका मतलब है माइटोटिक फेज से। माइटोटिक फेज ऐसा फेज है जहां पे नंबर ऑफ द क्रोमोसोम है वो सेम रहते हैं इवन इन द प्रोजेनी सेल्स। माइटोटिस फेज को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स हमेशा सेम रहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। ये सब मैं एनसीईआरटी की लाइन आपको बता रहा हूँ। एंड ये सबसे, अगर आपको इसकी बेस्ट स्टडी करनी है तो इसके लिए क्वेश्चंस काफी बार आया है, रूट टिप ऑफ द ऑनियन। ओके, रूट टिप ऑफ ऑनियन सेल ऑफ ऑनियन। ओके, ऑनियन की रूट टिप में आपको माइटोटिस की स्टडी अच्छे से आपको दिखाई देगी, क्योंकि वहां पे आपको बेस्ट स्टडी जब करनी है। सेकंड पॉइंट, ये बेसिकली इसको स्टार्स बर्गर ने इनको डिस्कवर किया था। ओके, स्टार्स बर्गर ने इनको डिस्कवर किया था, और बेसिकली माइटोटिस को। और जनरली जो माइटोटिस चलता है, ये चलता है सोमेटिक सेल्स के अंदर, सोमेटिक सेल्स के अंदर ये माइटोटिस चलता है। क्लियर हो गया। स्टार्स बर्गर डिस्कवर्ड, डिस्कवरी थी इसकी स्टार बर्गर ने की थी, और ये चलता है सोमेटिक सेल्स के अंदर। क्लियर हो गया। ओके, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एम फेज में बेसिकली मैंने आपको दिखाया था अभी, कैरियोकाइनेसिस होता है, और कैरियोकाइनेसिस में ये चारों स्टेप्स होती है। फिर उसके बाद में चारों स्टेप्स के अंदर साइटोकाइनेसिस होता है, जिसके अंदर साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। देखिए, जब प्रोफेज से एनाफेज में आते हैं, एनाफेज में मेटाफेज से, सॉरी प्रोफेज से मेटाफेज में आते हैं, मेटाफेज से एनाफेज में आते हैं, एनाफेज में टीलोफेज में आते हैं, तो ये स्टेजेस ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को म्यूचुअली अलाइन करती हैं। तो आप क्लियर कट ड्रॉ नहीं कर सकते, भाई अच्छा प्रोफेज खत्म हो गया और खत्म हो गया मेटाफेज, अरे हाँ खत्म हो रहा है, नहीं कर सकते। ओके, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लेकिन आप क्लियर कट एक लाइंस नहीं ड्रॉ कर सकते, बिकॉज केवल उनकी कंडीशंस को देख के कह सकते हैं कि इसकी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक अच्छा मेटाफेज चल रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि मेटाफेज वहां पे खत्म हो गया और फिर आपका टीलोफेज स्टार्ट, एनाफेज स्टार्ट होने को आ गया। क्लियर कट लाइन कोई ड्रॉ नहीं होती इन बिटवीन ऑफ द फेजेस, ये म्यूचुअली चलती है, मतलब सिक्वेंस में बहुत रैपिडली चलती है, एंड इनको हम ड्रॉ नहीं कर सकते इन डिफरेंट पॉइंट्स। ओके,
ये था आपका प्रोफेज, ये था आपका माइटोटिस के बारे में। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी प्रोफेज। ओके, हम प्रोफेज आपके हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रोफेज में आप में प्रोफेज आपकी तीन स्टेप में डिवाइड होती है, अर्ली, मिडिल एंड एनाफेज। ओके, देखिए प्रोफेज बेसिकली सबसे लॉन्गेस्ट फेजेस होता है, बिकॉज इसमें ही मोस्ट ऑफ जो यूज है, जो मोस्ट ऑफ पॉइंट्स है आफ्टर इंटरफेस इसी में चलते हैं। क्लियर हो गया? आफ्टर इंटरफेस सब कुछ प्रोफेज में चलता है। इसको हम प्रोफेज में बेसिकली चलता क्या, बेसिक मैं अगर तीनों फेजेस अर्ली, मिडिल, लेट को अगर तीनों को एक साथ मिला दूं तो बेसिकली क्या चलता है, बेसिकली इसमें चलता है डीएनए का उसमें जो क्रोमेटिन फाइबर है उनका कंडेंसेशन, कंडेंसेशन यहां पे चलता है। और दूसरा लाइक स्पिंडल फाइबर के एपरेटस का फॉर्मेशन स्टार्ट होना, ये दो बेसिक स्टेप्स होते हैं जो चलते हैं। सबसे पहले कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम आपको इस फेज के अंदर दिखाई देंगे, ठीक है। एंड सेकेंडली आपको इसमें स्पिंडल फाइबर के फॉर्म एपरेटस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिकली स्टेप्स आपको इसमें दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया? सो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका एम फेज। ओके, एम फेज में प्रोफेज। ओके, एज आई टोल्ड यू, तो एम फेज बेसिकली एम फेज में जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रोफेज। ओके, प्रोफेज में बेसिकली आपके एक तो अर्ली प्रोफेज, एक मिडिल प्रोफेज, एक लेट प्रोफेज होती है। ओके, हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और तीनों को अगर आप क्यूमुलेटिव देखेंगे तो क्यूमुलेटिव वर्क में इन तीनों में आपको एक जो मेजरली जो पोर्शन चलता है वो चलता है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डीएनए क्रोमेटिन फाइबर का कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता है, दूसरा ओके स्पिंडल फाइबर के, थोड़ा नीचे कर देता उसको ये मिक्स ना करें। एपरेटस बनता है, ठीक है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो तीसरा तीनों फेजेस में स्पिंडल फाइबर एपरेटस का फॉर्मेशन होता है। एंड तीसरा अर्ली, मिडिल एंड द लेट, तीसरा होता है इसमें डिसअपीयर ऑफ न्यूक्लियर। और जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी डिसअपीयर होती है सारे के सारे क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में एक्सपोज हो जाते हैं अपने आगे के फंक्शन के लिए। सो दे आर बेसिकली द स्टेप्स विच अकर इन ऑल थ्री। अब हम अर्ली को अलग, मिडिल को अलग, लेट को अलग पढ़ेंगे। ओके ओके, मिडिल को हम ट्रांजिशनल फेज भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ ये प्लीज नोट कर लीजिए एक बार, तो आपको और आगे से समझ में आएगा। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अर्ली प्रोफेज। ओके, अर्ली प्रोफेज, देखिए इन अर्ली प्रोफेज सबसे पहले डीएनए का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। तो डीएनए का जब कंडेंसेशन है, जब स्टार्ट होता है, तो देखिए मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट कि कंडेंसेशन जहां यहां बस प्रोसेस में स्टार्ट होता है। ओके, मेरी राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है बट थोड़ा बहुत मैं ट्राई करता हूं उसको अच्छा करने के लिए। देखिए एग्जैक्टली क्या होता है, जब हम इंटरफेसेस को थोड़ा रिलेट करें कि इंटरफेस हम इसको स्टार्टिंग में लेके आते हैं, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली होता है क्या है कि ये आपका क्रोमेटिन फाइबर है। इस क्रोमेटिन फाइबर में से क्रोमेटिन रेटिकुलम है, इस क्रोमेटिन रेटिकुलम से आपका एक क्रोमेटिन आ गया और फिर फर्दर उसके ऊपर एक डीएनए डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। तो ये दिख रहा है, ये आपका है डुप्लीकेटेड डीएनए। ओके, और ये दिख रहा है आपको, ये है मेन डीएनए। क्लियर हो गया? अब नाउ द नेक्स्ट, ये ओवर कंडेंस होते हैं, मतलब कंडेंसेशन का मतलब है इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। अब जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है तो चिपक जाते हैं, बहुत कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए क्या होता है, कंडेंसेशन में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। देखिए इस अर्ली प्रोफेज को एक वर्ड और बोला जाता है, इसको बोलते हैं स्पायरम स्टेज। ओके,
इसको स्पायरम स्टेज भी बोला जाता है, बिकॉज ये स्पायरम स्टेज के अंदर क्या होता है, स्पायरम स्टेज के अंदर बेसिकली स्पायरलाइजेशन होता है। स्पायरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, एक जस्ट मैं लिख देता हूँ, स्पायरलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर स्पायरलिंग होती है, मतलब जैसे होता है ना वूवन स्टेज भी बोलते हैं इसको, मतलब गुथना आपस में, इतना मतलब कंडेंसेशन के लिए आपस में गुथ जाते हैं, गुथेंगे जब भी कंडेंसेशन होगा, जब भी वो टाइट कॉइलिंग होगी तो गुथते हैं एक दूसरे से। जैसे क्या होता है, जैसे कि गुथेंगे तो गुथने में क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है, गुथने में क्या होता है, देखिए गुथने में क्या होता है, देखिए ये अब क्या होता है, इसको बोलते हैं स्पायरुलर, मतलब आपका जो एक क्रोमेटिन था, ये जो क्रोमेटिन दिख रहा है फाइबर, ये जो एक डीएनए का ये डुप्लीकेटेड फाइबर है, ठीक है, डुप्लीकेटेड फाइबर है, और ये आपका मेन है, ये मेन आपका डुप्लीकेटेड डीएनए है, ठीक है, मेन डीएनए डुप्लीकेटेड डीएनए, इनके अंदर ये स्पायरल हो गए, स्पायरल होकर आपस में और चिपक गए। फर्दर आगे ये स्पायरलेशन ही खत्म नहीं होता, अब ये स्पायरलेशन और आगे चलता है, ठीक है, अब ये और आगे चलेगा, ऐसे ही ये कंडेंसेशन चलता रहता है। कंडेंसेशन का एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं, ये बेसिकली कंडेंसेशन करके क्रोमोसोम थिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए आपको यह कंफ्यूजन होगा कि यहाँ मैं डीएनए बोल रहा हूँ, यहाँ मैं क्रोमेटिड बोल रहा हूँ, ये कुछ अलग कंफ्यूजन होगा। देखिए ये डीएनए है बेटा, किसके साथ बाइंड अप होता है, स्टोन प्रोटीन के साथ, जब वो बाइंड अप हो जाता है तो उससे क्रोमेटिड बनता है। डुप्लीकेटेड डीएनए और या मेन डीएनए अब जब स्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड अप हो जाएगा तो वह क्रोमेटिन बनेगा। तो ये क्रोमेटिन के फाइबर्स होते हैं, ये स्पायरलाइजेशन होता है, कॉइलिंग होती है एक दूसरे की, मतलब ये पहले सीधे थे, इसको स्पायरलेशन कर दिया, ये स्पायरलेशन अब क्या होता है, इसे स्पायरलेशन बोलते हैं या कॉइलिंग बोलते हैं। ये कॉइलिंग स्पेसिफिक प्रकार की कॉइलिंग होती है, जिस कॉइलिंग का नाम होता है प्लैक्टोनेमिक कॉइलिंग। ओके, इसका बेसिकली जो नेम है, मैं इसका नेम यहाँ लिख देता हूँ, ओके okay, इसका नेम मैं यहां लिख देता हूं, ये होती है आपकी प्लैक्टोनेमिक कॉलिंग। ये जो स्पेसिफिक कॉलिंग होती है, ये स्पेसिफिक कॉलिंग कहां पे होती है, ये स्पेसिफिक कॉलिंग होती है सिर्फ और सिर्फ आपके, मैंने शायद डिस्कस भी किया था पहले या शायद नहीं किया हो, मिस हो गया हो, तो प्लैक्टोनेमिक कॉइलिंग होती है सिर्फ और सिर्फ माइटोटिस के अंदर, मियोसिस में पैरानोमिक कॉइलिंग होती है। ओके, तो ये प्लैक्टोनेमिक कॉइलिंग में क्या होता है, ये एक दूसरे के बहुत टाइटली बाउंडेड कर देते हैं, दोनों जो डीएनए के जो क्रोमेटिड होते हैं इतने टाइटली बाउंडेड हो जाते हैं कि बाद में इनको सेपरेट नहीं कर सकते, ये एक दूसरे के साथ बाइंड अप होते हैं। तो पहले क्या होता है, देखिए पहले ये जो दिख रहा है ये फाइबर, अब पहले खुद की कॉइलिंग करते हैं, ये फाइबर और ये फाइबर पहले खुद की कॉलिंग करते हैं, दे कॉल टू अकेल, दे कॉल अराउंड टू इट्स सेल्फ, मतलब पहले ये खुद ही अपनी कॉलिंग करेंगे। वंस दे कॉल टू इट्स सेल्फ, देन दे स्टार्ट टू कॉल विद अनोदर क्रोमेटिड। इन्होंने यहाँ पे अपनी कॉलिंग कर ली, फिर ये एक दूसरे के साथ ही कॉलिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे के अंदर कूद जाएंगे। जैसे ओके, जैसे मैं आपका स्पेस ही नहीं है तो मैं अरब कर देता हूँ उसको, जैसे यहां पे अगर आप ऊपर जाएं तो ये क्या करते हैं, ये आपस में खुद की कॉलिंग से, ये देखिए ओके, अब ये इन्होंने क्या किया, ये दिख रहा है दैट वन, ये आपका सेंट्रोमियर, ये आपका ये जो दिख रहा है ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर, ये बिटवीन जो बनाई सेंट्रोमियर, ये पहले क्या हुआ था, खुद पहले अपनी कॉलिंग कर रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे क्रोमेटिड के साथ में कॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया। सो ये होता है बेसिकली
अर्ली प्रोफेस के अंदर कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, जिसमें प्लैक्टोनॉमिक कॉलिंग होती है जो एक दूसरे को इतना टाइटली कर देते हैं कि आप सेपरेट नहीं कर सकते, वाइल मियोसिस में जो पैरानॉमिक कॉलिंग होती है उसमें एक सेपरेट कर पाते हैं, तो दो डिफरेंट टाइप की कॉलिंग होती है। तो ये कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है और ये कॉलिंग करते हैं जिसको हम स्पायरम स्टेज भी बोलते हैं, जहाँ पे गुथ ऊन की तरह एक धागा दूसरे धागे में जाके गुथ जाता है। ठीक है, तो ये है ऊन, हम जैसे स्वेटर आपने आपके मदर सिस्टर्स बनाते होंगे, स्वेटर को गुथते हैं, तो एक ऊन को जब दूसरे फंदे में डालते हैं तो गुथ जाते हैं ऊन आपस में, तो उसी यही जो गुथना होता है ये होता है अर्ली प्रोफेस के अंदर। ओके, इसके अलावा स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन अर्ली प्रोफेस में हो जाता है क्योंकि आगे डिविजन स्टार्ट करना है। ओके, मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ, दैट्स अबाउट योर अर्ली प्रोफेस। ओके, तो यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया और आपका लाइक फॉर्मेशन अर्ली प्रोफेस स्टार्ट हो गया, और अर्ली प्रोफेस के बाद में अर्ली प्रोफेस स्टार्ट हो गया और अर्ली प्रोफेस में कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, और कंडेंसेशन में साथ साथ कंडेंसेशन के साथ साथ लाइक स्पायरल सॉरी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस आपका होता है मिडिल प्रोफेस। मिडिल प्रोफेस में क्या होता है, देखिए मिडिल प्रोफेस कुछ नहीं है, मिडिल प्रोफेस एक सिंपल स्टेज है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम भी इवन आपके अर्ली प्रोफेस में लगता है। मिडिल प्रोफेस में देखिए जो कंडेंसेशन स्टार्ट होने में टाइम लगता है, उसके बाद तो मिडिल प्रोफेस में कंडेंसेशन और ज़्यादा होता है। More condensation का, और इसमें आपको डायड दिखाई देता है, डायड विजिबल। अब डायड क्या होता है वो भी आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए मोर कंडेंसेशन, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने जहां अर्ली प्रोफेस से हम लेके आते हैं, तो अर्ली प्रोफेस में अगर आप देखेंगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था अर्ली प्रोफेस का, ये अर्ली प्रोफेस का स्ट्रक्चर था। अब इस अर्ली प्रोफेस में ये और ज्यादा कंडेंस होके एक ऐसा थिक सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बना लिया थिक सा स्ट्रक्चर। इस थिक से स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम आपको विजिबल होंगे। अब क्या होता है, जितना ज्यादा थिक होता है तो इसको बोलते हैं मोनोड। ओके, आपको इसमें कुछ इसको बोलते हैं मोनोड, इसमें कुछ दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जैसे इसको और आप थिक करेंगे तो इसका क्या होता है, जैसे देखिए ये आपका है मोनोड है, इसके पीछे की तरफ एक क्रोमेटिन फाइबर और है, तो हमें देखा था ना डुप्लीकेशन हुआ था दो डिफरेंट क्रोमेटिन फाइबर से, लेकिन इतना कंडेंसेशन हो गया तो आपको मोनोड दिखाई दे रहा था। अब जैसे जैसे आप इसको और कंडेंस करेंगे तो दूसरा वाला जितना ज्यादा स्ट्रेस डालेंगे उतना ज्यादा स्ट्रेस वो अपने आपको रिलीव करेगा और दूसरा क्रोमेटिन फाइबर सडनली आपको वहां पे दिखाई देगा, कुछ ज्यादा दिखाई देगा सॉरी ज्यादा मैंने प्रेशर डाल दिया रिलीव पे, तो जैसे ही आप उस पर और प्रेशर डालेंगे तो आपको दूसरा क्रोमेटिन फाइबर वहां से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो होगा क्या, एक्चुअली तो ये आपको यहां पे डायड दिखाई देगा। ओके, इस डायड में आप क्रोमोसोम की लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन लॉन्गिट्यूडिनल इसमें आप डिवीजन कर सकते हैं, मतलब दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। डायड इसलिए बनता है और ज्यादा प्रेशर डालने से ये अपने आपका प्रेशर रिलीव करते हैं और एक डायड जो मोनोड होता है बाहर आ जाता है। सो ये होता है मिडिल प्रोफेस में। अब आपका आता है लेट प्रोफेस। लेट प्रोफेस में क्या होता है, देखिए कंडेंसेशन आगे हो गई, कंडेंसेशन चलेगा, कंडेंसेशन में कोई कमी नहीं आने वाली, कंडेंसेशन चलेगा, लेकिन कंडेंसेशन के अलावा सबसे एक इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें चलता है, वो चलता है इसके अंदर क्या होता है कि आपके जितने भी इस कंडेंसेशन के अलावा बेटा इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, और जैसे ही डिसअपियर होगा क्रोमोसोम एक्सपोज टू साइटोप्लाज्म। ओके, क्रोमोसोम एक्सपोज हो जाते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ, क्रोमोसोम एक्सपोज हो जाते हैं। ओके, एंड
क्रोमोसोम बेसिकली साइटोप्लाज्म की तरफ एक्सपोज हो जाते हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गए एंड क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म की तरफ एक्सपोज हो जाते हैं। और ये तो हो गया दूसरा, और तीसरा एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, आपके जो सेंट्रोसोम है इट मूव टुवर्ड्स द पोल। ओके, आपका जो सेंट्रोसोम होता है, जो कि आपका सेंट्रोसोम डिवाइड हुआ था एस फेज में, अब वो पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, जो कि फर्दर उसको स्पिंडल फाइबर, देखिए स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन तो प्रोफेज में हो गया, ओके लेट प्रोफेज के अंदर भी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन चलता रहता है। ओके, फर्दर आपको जो कंप्लीट स्पिंडल फाइबर का जो एपरेटस का फॉर्मेशन है, स्पिंडल फाइबर ऑपरेटस यहां पर भी चलेगा, मैं यहां पॉइंट आउट कर देता हूं। मेटाफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर चलेगा, इस मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि अलाइंड हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर के एपरेटस का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर, कि आज हमने देखा अबाउट द ऑल स्टेप्स। ओके, स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी पर्सनली। सो ये हमने बेसिक टू लेक्चर्स खत्म हो गए हमारे, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द मेटाफेज। ओके, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम साइटोकाइनेसिस डिस्कस करेंगे, फिर हम माइटोटिक बेसिकली रोल क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन अ नेक्स्ट लेक्चर। सो अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, नमस्ते।